सो राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू टेक अ पेन इन योर हैंड, एक एक्स्ट्रा पेन अपने पास रख लो, ठीक है? और इस पेन को हाथ में रखकर इसको एक कंडक्टर की तरह समझो, ठीक है? थिंक ऑफ इट एज अ कंडक्टर, ठीक है? और कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हो। मैं एक बड़ा रॉड लेके आया हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट आई एम होल्डिंग, ठीक है? इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर अज्यूम करते हैं कि करंट जो है वो नीचे की साइड पे जा रहा है। सो आई विल मार्क इट हियर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ इट इज विजिबल टू यू। तो करंट नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है? ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अब अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बनती है। तो मुझे एक जो कार्डबोर्ड है उसको इसकी इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। दिस इज माई कार्डबोर्ड एंड ये मैंने परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है? अब जस्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में मैं एक रूल लगाऊंगा, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? सो दिस इज माई राइट हैंड, तो मैं ये लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, बट दिस इज माई राइट हैंड, क्योंकि हम जब ऑपोजिट किसी के बैठते हैं तो राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। तो दिस इज माई राइट हैंड, एंड अगर मेरी करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैं अपने थंब को पहले नीचे पॉइंट करूंगा। आई विल पॉइंट माई थंब डाउनवर्ड्स एंड आई विल होल्ड द कंडक्टर, ठीक है? होल्ड नहीं करना, अगर जैसे करंट ज्यादा हो तो वी डू नॉट हैव टू होल्ड इट, ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर हम किसी कंडक्टर को नहीं होल्ड कर सकते, सो विल अज्यूम दैट दैट वी आर होल्डिंग द कंडक्टर। तो इन दिस केस यू कैन चूज अ पेन ऑल्सो, और पेन को तुम इस तरीके से राइट हैंड पे अपना होल्ड करो, ठीक है? अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से योर थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन तुम इमेजिन करो दैट यू आर कॉइलिंग योर हैंड अराउंड द कंडक्टर। तुम कॉइल कर रहे हो अपने हैंड को अराउंड द कंडक्टर। तो इन द डायरेक्शन इन विच योर हैंड्स कॉइल विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दिस केस, इन माई केस, दिस मैग्नेटिक, ये मेरा हैंड ऐसे जा रहे हैं, राइट, इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मार्क इट विद द पेन, ठीक है? लेट मी सी, ये डायरेक्शन थी, दिस इज द डायरेक्शन, राइट? सो इन दिस डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज दिस, ठीक है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट आई एम द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है? सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल? यू नीड टू यूज योर राइट हैंड एंड नॉट लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड को यूज करना है, और थंब शुड पॉइंट टुवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? इज दिस क्लियर, येस और नो? So, sir, what can we say that the direction of current is? डायरेक्शन ऑफ द करंट, हम एक्चुअल में यहाँ पर अगर मैं इसको अब इस ऐसे देखूं तो आई कैन आइदर से दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फॉर मी इट इज क्लॉकवाइज, अगर मैं इसके प्लेन को देख रहा हूँ तो, ठीक है? दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी, एंड मे बी शायद वो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हो, बट दिस इज क्लॉकवाइज फॉर मी। एंड यू कैन ऑल्सो से कि इट इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। सपोज कंडक्टर के ऊपर की साइड, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, जो तुम्हें लेफ्ट में दिख रहा होगा, बट नीचे की साइड से इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यू कैन यूज इन द बोर्ड, ठीक है? ये बात क्लियर है?
डायरेक्शन कैसे पता चली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? देखो मैंने अभी दिखाया था, आई विल जस्ट रिवाइंड इट. जिस साइड पे तुम्हारे हैंड्स कॉइल हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में तुम्हारे हैंड्स कॉइल हो रहे हैं, देखो जैसे मेरे हैंड्स इस डायरेक्शन में कॉइल हो रहे हैं, कैन यू सी? तो मैंने उसी डायरेक्शन में अपने प्लेन पर क्या बना दिया, ड्रॉ कर दिया. आई हैव ड्रॉन सम एरोज. तो इन एरोज को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं. ठीक है, समझ आ गया विराज? यस सर. ओके, सो ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में वी इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट the thumb point towards the direction of the current. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines. ठीक है, तो जिस direction में तुम्हारी जो fingers wrap होंगी around the conductor, that will be the direction of our magnetic field line. ठीक है, अच्छा अब एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है. अ करेंट कैरिंग अ करेंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबाउट इट. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि करेंट कैरिंग हॉरिजॉन्टल लाइन इज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर यू नीड टू हैव A sense of the directions. Directions की sense होनी चाहिए तुम्हारे पास. ठीक है, एक कॉपी पर अपनी कॉपी पे ऐसे arrows बनाओ और tell me this is north, this is south, ठीक है, this is east, right side वाला and left side वाला is west. ठीक है, voice clear है अर्णव? अच्छा, so अब क्वेश्चन ये है कि इमेजिन दैट अ पावर लाइन, एक पावर लाइन है, दैट मींस इट इज पावर लाइन कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंडक्टर क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है. ठीक है, और ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, इट इज गोइंग ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, दिस वे. ठीक है, अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन at a point directly below it and at a point directly above it. So, isko karne ke liye you again need a 3D understanding and not 2D. So, tumhe kya karna padega? You take a plain sheet of paper. Apne paas ek sheet of paper le lo please, sab ke sab. I'll come back on video. सबने पेपर ले लिया एक? से यस और नो. हैव यू टेकन अ पेपर इन योर हैंड?
All right. Okay. So this is the sheet of paper. ठीक है, जो तुम्हारे पास भी होगा. What I want you to do is you have to write the directions. जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी है directions, जो यहाँ ऊपर तुम्हें दिखाई दे रही है, वही directions तुम्हें, the same directions that we made, वो direction तुम्हें अपनी अपनी notebook पे बनाना है, अपनी sheet पे. तो I'll make one for me. ठीक है. Is my voice audible? Yes, sir. Look, I have drawn this north, south, east, west. Actually, जो ये मेरा कैमरा है, it will be showing lateral inversion. तो इसलिए क्या लेटर्स सही नहीं दिख रहे होंगे. बट दिस वन इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ठीक है, दिस तुम्हारा जो ईस्ट होगा वो इस साइड होगा एक्चुअल में, और वेस्ट इस साइड होगा. सो दिस इज समथिंग जो कैमरा इन्वर्ट करके दिखाएगा. सो द मेन पॉइंट बीइंग, तुम अपने नॉर्थ को अपने आगे रखो. ठीक है, यू पुट द नॉर्थ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, नॉर्थ आगे होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, देन अब तुम्हारे राइट साइड पर ईस्ट होगा और तुम्हारे लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा. तो तुमने पेपर को सही से पकड़ा है, से यस और नो? यस सर. ठीक है, तुम्हारे नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट, ईस्ट ऑन द राइट एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट. ठीक है, देन व्हाट वी आर गिवन इन दिस क्वेश्चन इज, वी आर गिवन कि जो पावर लाइन है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है. ठीक है, सो अज्यूमिंग कि ये पावर लाइन है. ठीक है, तो ये पावर लाइन ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो आई विल पुट इट लाइक दिस, इस एक्सिस पे, ईस्ट वेस्ट वाली पे. ठीक है, अब ये जो ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे हमारी पावर लाइन जा रही है. तो मैं इस पेपर को नीचे रख दूंगा डेस्क पे, ईस्ट और वेस्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि ईस्ट वेस्ट के ऊपर है ये. ठीक है, एंड आई विल यूज माय राइट हैंड. तुम्हें राइट हैंड यूज करना है, तुम्हें मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा, बट एक्चुअली यू हैव टू यूज योर राइट हैंड, एंड राइट हैंड को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करना है. ठीक है, सो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करना है. फॉर मी इट इज लाइक दिस. ठीक है, बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा होगा. And then I will see कि in which direction is my fingers wrapping around. तो मेरी fingers wrap कर रही हैं कुछ इस direction में. ठीक है, अब the main thing is कि मैं इसको explain कैसे करूँ. ठीक है, how do I explain this कि ये direction कौन सी है magnetic field की. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि इफ दिस इज माय ईस्ट वेस्ट, अच्छा थोड़ा सा इसमें मुझे टेक्निकल डिफिकल्टीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, टेक्निकल डिफिकल्टीज एज इन बहुत चीजें हैं जो तुम्हारी राइट और मेरे लेफ्ट हो रहा है, और एक चीज है जो कैमरा इसको इन चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है. दिस कैमरा विल ऑलवेज शो राइट एंड लेफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लेट मी ट्राई वंस अगेन विद द रियर कैमरा. फ्रंट कैमरे से ही प्रॉब्लम है. लेट मी ट्राई वंस अगेन. ठीक है, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू.
अच्छा कैन आई डू वन थिंग, मैं इसकी वीडियो बना के तुम्हारे साथ शेयर करूं, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट इन लाइव क्लास आई गेस. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की मैं एक वीडियो बना के तुम्हें सेंड करता हूँ. ठीक है, और फिर अगर कोई डिफिकल्टी आएगी देन आई विल टेक इट अप इन लाइव क्लास नेक्स्ट टाइम. ठीक है, बट यू कीप द पेपर विद यू, वो पेपर अपने पास रखना जो तुमने बनाया है, सो यू विल बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द वीडियो. ठीक है, सो आई विल सेंड यू क्वेश्चंस एंड द वीडियो. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास ऑन द सेम टाइम. ठीक है, ओके, प्लीज राइट ओके. ओके सर. ठीक है, मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं. ठीक है, अगर तुम मेरे पास होते यहाँ पे साथ में होते तो फिर मैं शायद तुम्हें करा पाता, बट दिस चैप्टर इट रिक्वायर्स 3D अप्रोच एंड नॉट 2D, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट. ओके क्लास देन, थैंक यू.